तो दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अलीरजा टीवी को और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह अपना स्मार्टफोन जो कि पीटीए की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कराना है, कैसे आपका जो स्मार्टफोन है वो बंद होने से बच सकेगा। दोस्तों इस टॉपिक पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इससे पहले जो वीडियो मेरी आई थी वो इसी टॉपिक पे थी कि आपका जो स्मार्टफोन है उसका आपने कैसे चेक करना है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने जो अपना स्मार्टफोन है उसको अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों ये तरीका बताने से पहले मैं आपके साथ पहले वाला तरीका भी शेयर कर दूंगा ताकि कुछ लोगों को अगर वो नहीं पता तो उनको वो भी पता चल सके, और अपनी पहली वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख लें और वो भी आपको मेथड पता चल सके। तो दोस्तों मैं हूँ अलीरजा, आप देख रहे हैं अलीरजा टीवी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने *#06# मिला के अपना जो स्मार्टफोन का IMEI नंबर होता है वो आपने सर्च कर लेना है और उसको किसी कागज़ पे लिख लेना है, और उसके बाद उस IMEI नंबर को आपने सेंड करना है 8484 पर। तो इससे आपको थोड़ा बहुत शायद पैसे भी लगे, तो ये नंबर सेंड होने पे आपको कुछ मैसेज आएगा। मैसेज ये भी हो सकता है कि योर IMEI नंबर इज़ कम्प्लेंट। अगर कंप्लेंट का मैसेज आ जाता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका जो स्मार्टफोन है वो बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वैलिड का मैसेज आता है तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह आपका 20 तारीख को स्मार्टफोन बंद हो सकता है। तो अब आपने स्मार्टफोन को बंद होने से किस तरह बचाना है वो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, आपने उस लिंक को ओपन कर लेना है। ये आपने उस सूरत में करना है जब आपका जो स्मार्टफोन है वो वैलिड लिखा हुआ आए, यानी कि वो रजिस्टर्ड ना हो। अब दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ही आपको वो लिंक ओपन हो जाएगा, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे भी इस टाइम चल रहा है, वो लिंक ओपन होते ही यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलने वाला है। बॉक्स में लिखा आएगा कि यहाँ आपने अपना IMEI नंबर एंटर करना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना IMEI नंबर वहाँ पर एंटर कर देंगे, उसके बाद आपने वहाँ पर चेक वाले बटन पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो इस तरह आपका IMEI नंबर चला जाएगा PTA के वालों के पास और आपका जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्द रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और आपका स्मार्टफोन बंद नहीं होगा। दोस्तों ये था एक सिंपल सा मेथड जिसके ज़रिए आप अपना स्मार्टफोन 20 अक्टूबर को बंद होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से अपने फ़ोन को रजिस्टर्ड करवा लीजिए और बंद होने से बचा लीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए आने वालों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल अलीरजा टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।